स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इनॉग्रेशन के ऊपर बात करने से पहले, इस वक्त बड़ी मुश्किल में हमारे क्वेटा के अंदर हमारी हज़ारा कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट लगाऊंगा, पहले उनसे उनको एड्रेस कर लूँ और फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, इस हमारे मुल्क में जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं, शायद सबसे ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर हुआ है। इनको टारगेट किया गया और ख़ास तौर पे पिछले 20 साल में 9/11 के बाद इनके ऊपर जिस तरह की दहशतगर्दी की गई और जिस तरह की जुल्म किया गया, कत्ल किया गया इन लोगों को, किसी और कम्युनिटी के ऊपर इस तरह का पाकिस्तान में जुल्म नहीं हुआ। और मैं कई दफ़ा गया भी, जब वहाँ बड़े बड़े सानिया हुए मैं उनके साथ गया भी, मैंने उनका खौफ भी देखा हुआ है। तो जब ये अभी इंसिडेंट हुआ मच के अंदर, ये जो हमारे कोयले की कानों के ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और 11 हज़ारा कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो मैं इसके ऊपर पहले तो एक चीज आपको बता दूं कि ये एक उस साजिश का हिस्सा है जो कि मैं पिछली मार्च से, पहले मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था, मैंने फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर कि हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक जगह है सेक्टेरियन, उनका प्रोग्राम, बल्कि मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था पिछली मार्च में कि शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करना और उनके अंदर एक मुल्क के अंदर इंतजार की कैफियत फैलाना। इसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने 4 बड़े बड़े ये जो दहशतगर्दी के इवेंट्स होने लगे थे और एक इस्लामाबाद के बाहर, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से बच गए। उसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल सुनी आलिम का कत्ल किया गया कराची में और बड़ी मुश्किलों से हमने एक आग बुझाई जो कि सेक्टेरियन डिवाइड होने वाली थी। तो ये जो हमें पहले से आइडिया तो था कि ये जो हुआ है मच के अंदर, और जब ये हुआ तो मैंने सीधा अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा क्वेटा और उन्होंने बड़ी इंटरेक्शन किया। फिर मैंने अपने 2 फेडरल मिनिस्टर्स को भेजा और उनको हज़ारा कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमें पता है, मुझे ख़ास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह के पीछे जुल्म हुए हैं। और मैंने उनको अश्योरिटी दी कि हम उनकी हर किस्म की, जो बेचारे लवाई की ने, अब उनके घरों में जो कमाने वाले थे वो मार दिए उन्होंने, तो अब मैंने उनको अश्योरिटी दी कि हम इनको पूरी तरह कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। तो कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पूछा ये है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सारी डिमांड भी मान ली है, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं क्वेटा आऊंगा और लवाई की इनके साथ मिलूंगा, और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं मैं आज क्वेटा जाता हूं और लवाई की इनको मिलता हूं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए
कि सारी आपकी डिमांड भी मान ली है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं, और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं क्वेटा पहुंचता हूं। अब आमिर हाशमी, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है, अमीन, आपको भी मेरे ख्याल में ये हमें जिस तरह कहा गया बहुत पहले ये स्टेप लेना चाहिए था, क्योंकि सारी दुनिया, ये जो इनकलाब आ रहा है, ये आईटी के अंदर इनकलाब आ रहा है और बड़ी तेजी से ये बढ़ा आगे। और ये जो अभी भी हमने देखा कि कोविड के दौरान जो जिन कंपनीज ने गेन किया वो सारी आईटी कंपनीज थी। सो इसलिए हम पीछे रह गए हैं, और हमें ये बहुत पहले इस तरह के इंसेंटिव देने चाहिए थे अपने आईटी सेक्टर को, जो कि इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हम जो भी पहले रुकावटें थी हमारे आईटी सेक्टर के सामने, एनडीयू के अंदर एक पूरा सेमिनार किया गया, वो सारी रुकावटें बताई, जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने आके बताया कि हमें किस किस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एफबीआर से क्या प्रॉब्लम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है, हम किस तरह की फैसिलिटीज इंसेंटिव्स चाहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जोन का मकसद ये है कि हम अपने आईटी सेक्टर को हर किस्म के इंसेंटिव्स दें, ताकि हमारा आईटी सेक्टर जिसको बहुत पहले आगे जाना चाहिए था, ताकि वो इस खुद भी आगे जाए, अपने नौजवानों को, जो हमारा एक जिस तरह का यंग पॉपुलेशन, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, उसके लिए रोजगार भी मिले, और फिर मुल्क के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कि हम एक्सपोर्ट करें, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स इतनी हो कि हमारे मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, जो कि इस वक्त जब भी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पिछले 30 साल से आते हैं कि हमारे पास करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हो जाता है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, तो इसमें ये आईटी सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स इतनी कर सकते हैं कि हम बूस्ट कर सकते हैं इस मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज को, अपनी करेंसी को सिक्योर कर सकते हैं, और वैसे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक यंग पॉपुलेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है रोजगार देने का, तो ये सेक्टर वो रोजगार प्रोवाइड कर सकता है अपने यूथ को। तो ये जो आज स्टेप है, मैं अपने आईटी सेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी उम्मीद रखता हूं कि उनके लिए ये एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो बूस्ट कर सकें आईटी सेक्टर को और मुल्क की एक्सपोर्ट्स को, और दूसरे बाहर से भी हमारे अमेरिका के अंदर और बाहर भी आईटी के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए जो इसका फायदा उठा सकते हैं इन इंसेंटिव्स का, और प्लस हम उम्मीद रख रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हमारे आईटी सेक्टर के अंदर आएगी। तो मैं फिर से आमिर हाशमी आपको ये रियलाइज करवाता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह आपके पीछे खड़ी होगी इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को। कोई भी मसले मसाइल आए तो हमारी गवर्नमेंट इन मसले मसाइल को दूर करेगी। शुक्रिया।